गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को यूपी के गाजीपुर लाया गया है, जहां एक तरफ परिजन मुख्तार को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूरी मुश्तैदी के साथ मौके पर तैनात है, जिससे स्थिति को काबू में रखा जा सके। गैंगस्टर के आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चारों तरफ सुरक्षा बल नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को 10 बजे के करीब दफन किया जाएगा, जिसको लेकर मौके पर क्या तैयारियां की गई हैं, कितनी फोर्स को तैनात किया गया है, ये सब जानकारी एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह और डीएम गाजीपुर आरेका अखौरी ने दी है। पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो है, परिवार के लगातार संपर्क में है और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। लगभग सूचक कितनी फोर्स पर्याप्त संख्या में फोर्स है, फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं। और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था, पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है परिवार की तरफ से कहा गया है उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। दफनाने का समय क्या है जो परिवार ने बताया है? 10 बजे। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का, ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं और लोगों पे नजर रखी जा रही है। व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम से 10 बजे। और जनाजे में जो दफनाने का समय जो है वहाँ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, परिवार के लगता है कितने लोग शामिल? परिवार के लोग जो भी हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो रहेंगे और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं, जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं वो भी आएंगे। गौरतलब है कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आखिरी सांस ली थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।